एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रिडिक्शन होने वाली है, और आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। क्या कोई एक्स पार्टनर आने वाले हैं या न्यू पर्सन आने वाले हैं? कौन है वो इंसान, उनके बारे में डिटेल में जानेंगे ताकि आपको आइडिया एंड क्लैरिटी मिल सके कि आपके लव लाइफ में कौन एंटर कर रहे हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो गाइस। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए और बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कीजिए। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, सो यू कैन कॉन्टैक्ट। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज आपको अपने नाम का पहला अक्षर के अकॉर्डिंगली कैंडल को चूज़ करना है। तो आपका जो भी ऑफिशियल नेम है जो कि हर जगह यूज़ होता है, उस नेम का फर्स्ट लेटर अगर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस ब्लू कैंडल को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस बेबी पिंक कैंडल को चूज़ करना है। ठीक है, तो यह है ए टू एम, यह है एन टू जेड, तो आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो ग्रुप नंबर वन, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में स्टार्ट होता है और आपने इस ब्लू कैंडल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। क्या कोई पास्ट का इंसान आ रहे हैं या फिर कोई न्यू इंसान है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स गिवन है। ओके, एंड वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। सो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, ओके, एंड रिलैक्स कीजिए, तब तक हम शुरू करते हैं। रिलैक्स कीजिए, कोई भी थॉट माइंड में मत लाइए, ठीक है, ब्लैंक हो जाइए पूरे तरीके से, एंड लेट्स सी। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट, ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, इस पर्सन को आप जानते हो, और इस पर्सन का आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन या आपका उनके लाइफ में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, किसी भी रूप में रह सकता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके एक्स ही हैं जो आपके लाइफ में लौट रहे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं, हो सकता है, बहुत समय साथ में गुजारा है, बहुत समय आप लोग साथ रहे हो, एक दूसरे की मदद की है आपने, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन कोई आपके पास्ट में कोई थे, जैसे कि कोई नेबर, पड़ोसी, कोई फ्रेंड, कोई सीनियर या कोई जूनियर, या कोई वर्क में कलीग, या यू नो बॉस एक्सेट्रा, या टीचर या स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मुझे नज़र आ रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने अपना योगदान आपके लाइफ में, जिनका योगदान आपके लाइफ में है, या आपका योगदान उनके लाइफ में है, या फिर दोनों का एक दूसरे के लाइफ पर है, और आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं अच्छे से ही जानते हो, ठीक है। तो ये एक्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में जुड़ा हुआ कोई भी इंसान हो सकता है, जो हो सकता है कि आपके पास्ट में थे, फिर उनके साथ आपकी, हो सकता है, कॉन्टैक्ट टूट गई किसी न किसी रीज़न से, या आप दोनों अलग हो गए, आप दोनों की लाइफ में आप लोग मूव ऑन हो गए, एंड ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो ये कोई एक ऐसे इंसान है जो मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत शांत स्वभाव के, बात कम करते होंगे, ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना होना, बहुत ज़्यादा शांत प्रकृति के, ज़्यादा गुस्सा नहीं आता होगा इस पर्सन को, ठीक है, गुड लिसनर, सुनते ज़्यादा हैं बोलने के बजाय, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पीसफुल लाइफ ये जीते हैं। इनकी लाइफ बहुत सिंपल मुझे दिख रही है, सिंपल एंड सॉर्टेड। ये कोई ऐसे इंसान है
जो हो सकता है बहुत सिंपल लिविंग में बिलीव करते हों, जो हो सकता है कि सिंपल खाना खाते हैं, सिंपल तरीके से ग्रूमिंग करते हैं, ठीक है, ज़्यादा शो ऑफ करने की इनकी एनर्जी नहीं है, ज़्यादा खर्चा करना इनको पसंद नहीं है, सेविंग्स में, ठीक है, और रिसोर्सेज को कैसे हम ज़्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सब में मुझे इनका एनर्जी दिख रही है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके लव लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, बिकॉज़ इस पर्सन ने लाइफ में बहुत ढूंढा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने लाइफ में बहुत खोजा है असली प्यार, बहुत ढूंढा है ऐसा इंसान जो इनके साथ इनके वाइब को मैच कर पाए, जो इनके इमोशंस को समझ सके, लेकिन ये अपने सर्च में फेल हो गए। तो जब ये पर्सन गिव अप करने के मोड़ पर आए, तब इनको पता नहीं क्यों बट आपका चेहरा याद आया, आपका नाम याद आया, और तब उनको अंदर से ऐसा महसूस हुआ एंड अभी भी हो रहा है, क्योंकि रिसेंट पास्ट में इनको ऐसा रियलाइज़ हुआ है कि जिसके तलाश में वो हैं वो आप हो, ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो आपके पर्सन ये जो भी है, ठीक है, इनको आप ऑलरेडी जानती हो एंड इनको रियलाइजेशन हुआ है कि जिसके तलाश में, जिस प्यार के तलाश में ये पर्सन है, वो प्यार उन्हें आपसे मिल सकता है, तो आपकी याद इनको आई है एंड उसी सर्च को कंप्लीट करने के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करना चाहेंगे बहुत ही जल्द। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत डेस्परेट तरीके से आपके लाइफ में एंटर करना चाहेंगे। ऑल्सो मैंने यहाँ पर आपको जो बताया ना कि इस इंसान को आप जानते हो ऑलरेडी पास्ट से हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, तो ये पर्सन आपके पास्ट जन्म के भी पर्सन हो सकते हैं, पास्ट जन्म के लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी भी मुझे कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर नज़र आ रही है। इस पर्सन की स्किन बहुत ग्लोइंग मुझे नज़र आ रही है और इस पर्सन की आइज़ बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है, आइज़ बड़ी छोटी हो सकती है बट जैसे भी इनकी आइज़ हैं बहुत खूबसूरत है और इनकी आंखें कुछ कहती है, इस तरीके की इनकी आईज मुझे नज़र आ रही है। इंटेंशंस इनके प्योर होंगे बिकॉज उनके एक्सपेक्टेशंस हाई हैं एंड मुझे लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में इसीलिए एंटर करना चाह रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा फील हो रहा है कि यस, अब मुझे सही डायरेक्शन या सही गाइडेंस मिली है यूनिवर्स की तरफ से और मैं अब इस कनेक्शन को फॉर्म करूँगा या इनके लाइफ में एंटर करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो आपके पर्सन प्यार के लिए, रिलेशनशिप या इवन मैरिज के लिए ही आपके लाइफ में एंटर करना चाह रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ये जो भी पर्सन है ऑलरेडी वर्किंग पर्सन है, तो ये पर्सन कोई स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट हो सकता है हो क्योंकि स्टूडेंट्स की कोई भी पर्टिकुलर एज नहीं होती, या फिर ऐसा भी नहीं होता है, बहुत लोग होता है ना जॉब करते करते भी कुछ ना कुछ अपने कोर्सेज को परस्यू कर रहे होते हैं, तो स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अपने लाइफ में ये पर्सन ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, बहुत अच्छा जॉब या बहुत अच्छा बिजनेस ये पर्सन करते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन मुझे नज़र आ रहा है कि अब सेटल होना चाहते हैं अपने लव लाइफ में, लाइक दे आर क्वाइट एग्जॉस्टेड, उनको ऐसा लग रहा है कि अब हम ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते इमोशनली, तो अब कोई एक अच्छा इंसान मिल जाए जिनके साथ हम जल्दी जल्दी शादी वगैरह करके घर बसा सकें, फ्यूचर प्लानिंग कर सकें अच्छे तरीके से। सो ये कोई ऐसे इंसान मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं जो कि आपके साथ जल्द से जल्द शादी करना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि आप उन्हें अपना लो या आपको उनसे प्यार हो जाए एंड आप दोनों जल्द से जल्दी जल्दी फैमिली में बात करके शादी करो। सो इस पर्सन की इंटेंशन यही है कि आपके साथ घर बसाने की एंड आपको लाइफ पार्टनर बनाने की, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। बट 80% लोगों के लिए तो मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हो, ये पर्सन आपके एक्स लवर भी हो सकते हैं या हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों का कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का कनेक्शन रहा है, बट अभी हो सकता है कि आपको याद करने में थोड़ा बहुत टाइम लगे या फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़े कि ये इंसान कौन हो सकता है, लेकिन इनका योगदान ज़रूर से ज़रूर आपके लाइफ में रहा है या फिर आपका योगदान उनके लाइफ में रहा है, तो ये एक मेजर आपको साइन मिल रहा है जिससे आप ईजिली पता कर सकते हैं कि कौन आपके लव लाइफ में आ रहे हैं एंड कौन आपको अप्रोच करने वाले हैं लव के लिए, डेटिंग के लिए, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो इमोशंस बहुत प्योर नज़र आ रहे हैं, इंटेंशंस भी प्योर है, लेकिन थोड़ी सी डेस्परेट एनर्जी रहेगी ये पर्सन जब आपके लाइफ में एंटर करेंगे, तो ये बहुत जल्दबाजी करेंगे, आपको नज़र आएगा कि ये ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं आप दोनों के साथ स्पेंड करने के लिए, मतलब टाइम देंगे भी तो यही सोचकर कि हाँ फिक्स ही है, शादी करनी ही है, ऐसा टाइप का, तो वो थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लग सकता है कि ये पर्सन इतने जल्दबाजी या डेस्परेट क्यों शो हो रहे हैं, ये टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, कनेक्शन को ऑटोमेटिकली नेचुरली फ्लो होने क्यों नहीं दे रहे हैं, फॉर्म होने क्यों नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी डेस्परेट एनर्जी ये दिखाएंगे कि हाँ हाँ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अब हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, तो थोड़ी सी जल्दबाजी इनके अंदर से रहेगी, लेकिन वो नेचुरल होगी, लेकिन आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है। और एल्स मुझे नज़र आ रहा है कि इस पर्सन के भावनाएँ तो अच्छी ही होंगी आपको लेकर, लेकिन क्योंकि उनको एक दिल से फीलिंग आ रही है कि आप ही हो उनके साथ ही, तो वो ज़्यादा अपना इमोशंस को इन्वेस्ट करना, टाइम लगाना, समझना सही गलत ये सब करेंगे नहीं, उनको लगेगा कि नहीं यही मेरी लव लाइफ है, यही मेरा लव लाइफ है,
ठीक है, ये एनर्जी है इनकी। सो ये बहुत श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ एंड यू नो एकदम सोच समझ करके आपके लाइफ में एंटर करेंगे कि अगर ये आप करेंगे तो आपसे शादी ही करेंगे, वरना फ्रेंडशिप वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। ओके, इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने दूंगी। ओके, साइड में कर देते हैं। सो चलिए और भी कुछ हम कार्ड्स देख लेंगे, इसे हम साइड में कर देते हैं। ओके, लेट्स सी। सो सबसे पहले यहाँ पर आ चुका है द वर्ल्ड कार्ड। तो ये पर्सन अभी फिलहाल प्रेजेंट में ये आपसे कहीं दूर रह रहे हैं, ठीक है। फिजिकली, जियोग्राफिकली ये पर्सन आपसे कहीं दूर है। तो जिस सिटी में आप हो या जिस स्टेट या कंट्री में आप हो, चांसेस हैं कि ये उससे दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट या कंट्री में रहने के चांसेस हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस में है ये पर्सन, एंड ये पर्सन डेफिनेटली बहुत जल्द ट्रैवल करेंगे आपसे मिलने के लिए। एंड चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन पहले रीच आउट करें, आपको जाने कि आप कहाँ पर हो, कैसे हो, और फिर हो सकता है मीटिंग की प्लानिंग्स आप दोनों के बीच में हो। और ये पर्सन आपके लाइफ में कब एंटर कर रहे हैं, एक महीने के अंदर अंदर, ठीक है। आप जिस भी डेट में आप देखिए, एक टाइमलेस रीडिंग है, उस डेट से आप एक महीना पूरा काउंट कर सकते हैं। उसी एक महीने के बीचों बीच आपकी इस पर्सन से मुलाकात या इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे रियलिटी में हो, किसी भी तरीके से होने के चांसेस डेफिनेटली होंगे। ओके, चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा एनर्जीज यहाँ दिख रही है कि आपकी ये कनेक्शन जो हो सकता है, बचपन का प्यार हो सकता है, क्रश हो सकता है ये, ठीक है। पास्ट का ही कोई नज़र आ रहा है पूरा पूरा। तो ये आपके एक्स लवर भी हो सकते हैं, ठीक है। 50-60% के लिए तो डेफिनेटली ये एक्स पार्टनर ही आपके, जो आपके लाइफ में एंटर करना चाहेंगे, क्योंकि उनको रियलाइजेशन हो गया होगा कि नहीं, बाकी सब मोह माया है एंड कुछ भी रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि आप दोनों एक दूसरे के हैप्पीनेस हो एंड प्यार हो, ठीक है। सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर टू, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस बेबी पिंक कैंडल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके लव लाइफ में बहुत जल्द कौन आने वाले हैं। कोई एक्स पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है, पास्ट का है या फ्यूचर से आ रहे हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए, कैंडल कोर्स के लिए, आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस। ओके, सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रेडिक्शन को। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, ठीक है। गहरी सांसें लीजिए एंड ब्लैंक हो जाइए, कुछ भी थॉट अपने माइंड में मत रखिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन। मे फ्यू मिनट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होती है एंड इससे आप कहीं ना कहीं लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, तो इससे यूनिवर्स बहुत आपसे खुश होते हैं, क्योंकि यूनिवर्स देख पाते हैं कि आप जो हैं लोगों को, जो लोग आपकी मदद कर रहे हैं, जो एनर्जी आपको मदद कर रही है, आपको रियलिटी बताने के लिए, फ्यूचर बताने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, उनको लेकर आप ग्रेटफुल हो। तो मेक श्योर कि आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें एंड शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बिकॉज इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत सारी एनर्जी, अच्छी एनर्जीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत सारी एनर्जीज़ आपका भला चाहती है, लेकिन जब आप उन्हें अप्रिशिएट नहीं करोगे, जब आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे, तो फिर वैसी एनर्जी जो है उस चीज़ को लेकर अच्छी फील नहीं करती है। तो हमारा ज़रूरी ये है कि हमारे लाइफ में जिनका भी इम्पैक्ट या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है अच्छे के लिए, उन्हें हम ज़रूर ग्रेटफुल शो करें, ग्रेटिट्यूड शो करें एंड उनके लिए हम ग्रेटफुल रहें, उनको हम अप्रिशिएट करें, ठीक है। इट इज़ आवर कीन ड्यूटी। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो लेट स्टार्ट। लेट्स सी पाइल नंबर टू, आपके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं बेसिकली। ओके, सबसे पहले चीज नजर आ रही है कि ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट है, ठीक है। और मुझे ज्यादा एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, आप किसी के साथ ऑलरेडी लव में हो
एंड ये पर्सन एक कोई न्यू पर्सन है जो कि आप दोनों के बीच में, यानी कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करेंगे एंड वो चाहेंगे कि आप उस कनेक्शन को छोड़कर इनके पास आ जाओ। तो ये बहुत कम लोगों के लिए चैनल हुआ है, लेकिन हाँ 10% लोगों के लिए चांसेस यहाँ पर मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ये जो पर्सन है, ये जो भी आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, इनके साथ आपका कोई कार्मिक बॉन्ड है और इनके इनके लाइफ में आप, मतलब आपके लाइफ में ये जब एंटर करेंगे उसके बाद आप दोनों के कुछ कार्मिक इवेंट्स क्रिएट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, चाहे आप किसी कनेक्शन में हो या ना हो, डजेंट मैटर, बट जो भी ये इंसान आ रहे हैं आपके लाइफ में, उनके साथ मुझे लग रहा है कि कर्मा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हो सकते हैं कि आप दोनों की शादी भी हो, या फिर हो सकता है आप दोनों कनेक्शन में हो लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए लेसन बन जाओ फ्यूचर में, ये भी चांसेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके सोलमेट हैं, लेकिन इनके साथ आपका कर्मा जुड़ा हुआ है, तो इनके साथ आपकी या तो बहुत अच्छी मेमोरी क्रिएट हो सकती है या फिर बुरी मेमोरी भी क्रिएट हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है आपके लक में एंड आपके कर्मा में, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें डिपेंड हो सकती है। ये जो भी पर्सन है, ये स्पोर्ट्स पर्सन होने के चांसेस हैं, हो सकता है प्रोफेशनली हो या फिर हो सकता है कि किसी ना किसी स्पोर्ट्स में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है एंड ये मेक श्योर करते हैं कि ये उस स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहे। तो डेफिनेटली ये पर्सन अपने पैशन को फॉलो करते हैं एंड किसी न किसी तरीके के स्पोर्ट्स में ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फेमस मुझे नज़र आ रहे हैं। ये जो भी इंसान है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं। जो चांसेस हैं कि ये पर्सन किसी ऐसे घर से बिलोंग करते हो जहाँ पे पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है, किसी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, या फिर दूसरे कल्चर के जो भी होते हैं, जैसे कि मौलवी के फैमिलीज या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग रिलीजन कल्चर के अलग अलग होते हैं। तो जिनका घर ज़्यादा पूजा पाठ में होता है एंड बहुत नियम कानून होते हैं, वैसे ट्रेडिशनल फैमिली से ये पर्सन चांसेस हैं कि बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए, मेजोरिटी के लिए, 90% के लिए ये पर्सन कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, बट समहाउ मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थोड़ा बहुत हो सकता है आपको जानते हों, जैसे कि ऑनलाइन के थ्रू आपको जानती हों या किसी इवेंट में आपको देखा हो इन्होंने, या फिर आपके कॉलेज वगैरह में हो थोड़ा बहुत। मुझे नहीं दिख रहा है कि ज़्यादा आप दोनों की इंटरेक्शन हुई है, थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको जानते हैं, आप भी उन्हें थोड़ा बहुत जानते हो, बट नो इमोशनल फीलिंग्स एट ऑल आपकी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो ये जो भी पर्सन है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये पर्सन इस इंटेंशन से आएंगे क्योंकि इन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके टूवर्ड्स, एंड इन्हें ऐसा फील होगा कि आप में कुछ ना कुछ अलग बात है जो उनको क्रेजी कर देगी एंड बहुत क्यूरियस बना देगी कि आपके अंदर ऐसी कौन सी अलग बात है, कौन सी मैजिकल बात है। ओके, एंड उसी क्यूरियोसिटी की वजह से ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इनकी बहुत फोकस नहीं रहेगी कि ये पर्सन आपसे शादी करे या आपके साथ कमिटमेंट में ही ये सीरियस तरीके से आए, बट जितना भी ये पर्सन आपके बारे में देखेंगे, फील करते जाएंगे समय के साथ साथ, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन का आपके लाइफ में एंटर करना, आपको डेट करना इनके लाइफ में एक मकसद बन जाएगा, बिकॉज ये जानना चाहेंगे कि आप में ऐसी यूनिक बात क्या है जो इनको आप पागल कर दे रही है एंड आपके जैसा इंसान इन्होंने कभी पहले डेट नहीं किया है। तो बहुत क्यूरियस ये पर्सन रहेंगे एंड वो चाहेंगे कि ये आपके साथ इमोशनली, मेंटली एंड फिजिकली इन्वॉल्व हो। तो ऑब्सेशन एंड पैशन इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा सीरियसनेस तो नज़र नहीं आ रहा है, बट वो पर्सन प्रेजेंट में जीना चाहेंगे एंड आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहेंगे क्योंकि उन्हें आपके अंदर कुछ ना कुछ मिस्टीरियस वाइब्स मिलेगी, कुछ यूनिकनेस नज़र आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। सो कुछ लोगों के लिए, 10% के लिए, जैसा मैंने पहले बताया कि आप, हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो एंड ये पर्सन एंटर करेंगे एंड आपका थर्ड पार्टी सिचुएशन फिर क्रिएट हो सकता है, आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, इनके साथ आप बात करने बात करने लग जा सकते हो। सो आपको ध्यान देना है कि अगर आप अपने करंट पर्सन से कमिटेड हो एंड उन्हें उनसे सच्चा प्यार करते हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप बैलेंस रहो और आप इस पर्सन से डाइवर्ट ना हो, बिकॉज ये पर्सन बहुत कोशिश करेंगे आपको स्पेशल फील करवाने की, आपको चेस करने की। ठीक है, आप इग्नोर भी करोगे तो भी हो सकता है ये पर्सन आपको इम्प्रेस करने की बहुत कोशिशें करेंगे, बिकॉज ये जेन्युइनली चाहेंगे कि आप उनके लाइफ में आओ। वो ये नहीं देखेंगे कि आप कहीं और हो या फिर आपका दूसरे कनेक्शन को तोड़ के आना सही नहीं होगा, उनका बस पैशन बढ़ जाएगा आपको पाना, फिर वो और कुछ भी नहीं सोचेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और बाकी लोगों के लिए, अगर आप सिंगल हैं या फिर आप सेपरेटेड हो,
सो बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपको बहुत इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, एंड ये पर्सन चाहेंगे कि आपके साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो, एंड उस बॉन्ड को लेकर ये बहुत सीरियस नहीं रहेंगे कि हाँ शादी करना ही है या घर बसाना ही है या कमिटेड रहना ही है, लॉयल रहना है पूरी तरीके से, लेकिन ये आपको ज़रूर पाना चाहेंगे। एंड पाने के लिए, आपके साथ डेटिंग स्टार्ट करने के लिए पर्सन हज़ारों कोशिशें करेंगे टू इम्प्रेस यू, टू गेट यू इन देयर लाइफ, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन में आओगे भी तो फ्यूचर बताएगा आप दोनों का कि आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ टाइम रहना चाह रहे हो या नहीं, बिकॉज़ ये पर्सन आपके सोलमेट तो होंगे ही लेकिन कर्मा यहाँ पर है, तो कर्मा का जो इफेक्ट है वो किसी तरीके से पड़ सकता है। हो सकता है कि शादी हो जाए, आप दोनों डेट करते करते यू नो फ्यूचर में सीरियस हो जाओ एक दूसरे के प्रति एंड शादी भी करने का सोच लो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों यू नो एक दूसरे से अलग हो जाओ बिकॉज आप दोनों को फील हो कि नहीं आप दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो ये फ्यूचर आप दोनों का बताएगा। तो इंटेंशंस उनके बहुत सीरियस नहीं रहेंगे, बट पैशन तो डेफिनेटली रहेगा, इमोशंस भी प्योर होंगे, बट वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, वो बस प्रेजेंट को जीना चाहेंगे आपके साथ। ये एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सो गाइस, ये है आप लोग की रीडिंग। इस कैंडल को मैं साइड में कर देती हूँ, पूरा मेल्ट होने देंगे। ओके सो चलिए इसे साइड में कर देते हैं एंड लेट्स सी सम कार्ड्स। Let's see some cards. Okay, we have deceit. So yes, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन भी यू नो बहुत कुछ अपने बारे में आपको नहीं बताएंगे, जैसे कि इनका प्रोफेशन, इनका बैकग्राउंड। हो सकता है ये पर्सन बहुत फेमस पर्सन हो, बहुत वीआईपी पर्सन हो, एंड ये पर्सन बहुत वेल्दी एंड लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी जीते हों, बट ये आपके सामने जब आएंगे तो बहुत सिंपल बन के आएंगे और ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि यू नो ये कोई एक रैंडम से इंसान है जो कि आपको चाह रहे हैं। ये पर्सन आपको टेस्ट करने की भी कोशिश करेंगे कि आप लालची हो या नहीं हो, आप कितना ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हो, आपके मन में यू नो पवित्रता है या नहीं है, ये आपको टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो वाई, बट यस, इस पर्सन के अंदर थोड़ी सी वैसी चीज़ें होंगी कि ये इंसान आपको भापना चाहेंगे कि आप कैसे इंसान हो, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर इतने क्यूरियस होंगे तो इनके माइंड में बहुत क्वेश्चंस भी आएंगे और जिसका आंसर वो आपको यू नो टेस्ट करके जानना चाहेंगे। ओके सो ये जो पर्सन है आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ये कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन आपके लाइफ में ज़रूर रखेंगे। हो सकता है कि आपको कोई लेसन सिखा के ये पर्सन चले जाएं, हो सकता है ये पर्सन ही आपके लाइफ पार्टनर बन जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन का बिहेवियर आपको कुछ सिखाए या फिर आपको किसी ना किसी तरीके से मदद करे लाइफ में ग्रो करने के लिए, या फिर ये पर्सन आपको लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, जैसे कि कोई जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, बिजनेस से रिलेटेड जेन्युइन अपॉर्चुनिटी। तो किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन आपके लाइफ में हेल्प ज़रूर करेंगे, चाहे वो टेम्पररीली हो चाहे वो परमानेंटली हो। ओके, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड ये पर्सन आपके लाइफ में मुझे लग रहा है 15 डेज से लेकर 2-3 मंथ्स के अंदर आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय टू।